ये गाड़ी हम आपको दे देंगे 55,000 रुपए में, 73,000 रुपए में। 95,000 में आपको अल्टो मिल रही है आपके 80,000 रुपए, 85,000 रुपए की, और इसकी डिमांड भी है 90,000 रुपए। 105,000 में आपको एक सेडान कार और दिखाई, 110,000, 105,000 रुपए। मात्र 1.5 लाख रुपए में आपको हुंडई की इयोन मिल रही है विद LPG, विद बैक कैमरा, विद LCD स्क्रीन। मान्या कार बाजार में सिडान कार 65,000 में। 180,000 में आपको मारुति की जिप्सी मिल रही है, ले जाइए भाई, आप भी अधिकारी हो जैसा फील करेंगे। हेलो गाइस, दिस इज पवनविश एंड यू आर वाचिंग लखनऊ राइड। आपका स्वागत है लखनऊ राइड के ब्रांड न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक नए डीलरशिप को अपने चैनल के साथ जोड़ रहे हैं। आज हम आए हैं मान्या कार बाजार। अगर आपका कम बजट है और आप लो बजट की गाड़ी सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। क्यों होगा? 800 अल्टो में आपको 6 से 7 ऑप्शन मिलेगा, सेंट्रो भी खड़ी है, इंडिगो, पीछे देखिए आपको पूरा यार्ड मिलने वाला है जिसमें आपको कम बजट की गाड़ी हम लोग दिखाएंगे अच्छी डील के साथ अच्छे प्राइस में। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन प्रेस करना है जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सकेगी। चलिए बुलाते हैं यहाँ के ओनर को, उनसे हर गाड़ियों के स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन पर वो नाम जो वीडियो पर अच्छे से कमेंट करें प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो हमारे साथ मान्या कार जैसे हैं मिस्टर सुशील कुमार यादव जी। सुशील कुमार यादव जी, तो यादव जी अभी हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? अभी आप जो है ये आपकी गोकुल नगर एरिया है जी, और लखनऊ फैजाबाद रोड है। ओके, तो हम लोग पहली बार मान्या कार बाजार को अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो और आपका ये RTO ऑफिस से मात्र 200 मीटर पे है जी। बाकी आपको स्क्रीन पे नंबर मिल रहा है, आप कॉल करके भी एड्रेस पूछ सकते हैं। तो यादव जी बताइए, मान्या कार बाजार की खासियत क्या है? आपको कम बजट में बढ़िया गाड़ियाँ मिलेंगी जी, और मान के चलिए आधे ज़्यादा हम लोग सब पेपर वगैरह फैसिलिटी भी देते हैं कि सब कुछ करवा के ही देंगे आपको। ओके, यानी कि जिनका कम बजट है भागना नहीं इधर उधर, सारी हेडेक आपकी है ना गाड़ी से बिल्कुल डिलीवर कराने तक में, पेपर ट्रांसफर में सब कुछ आप करके दे देंगे ना? ओके, तो यादव जी आज आपके स्टॉक में क्या मिलने वाला होगा गाड़ियों में? अभी आपको जो है मारुति में मिल जाएंगी गाड़ियाँ, हुंडई में मिल जाएंगी, सब और कम बजट की होंगी। हाँ, सब नॉर्मल बजट में होंगी, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ बात करें एक्सीडेंटल गाड़ी तो नहीं रखते हैं? ना ना, एक्सीडेंटल गाड़ी हम लोग लेते ही नहीं ना? बिल्कुल, आप लोग आप पूरी तरीके से जांच करवा लीजिए बिल्कुल भाई, कंपनी में और मिस्त्री बुला के आप दिखवा लीजिए। ओके, अगर आपको नॉलेज है खुद से चेक कर लीजिए, अदरवाइज मैकेनिक लाके भी चेक करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं बिल्कुल। ओके, तो यादव जी इधर आइएगा, हम लोग शुरुआत करते हैं, स्टार्ट भी करेंगे कम बजट की गाड़ी से, हमारी 800 से, UP 32 लखनऊ नंबर पर है। धीरे धीरे ये विंटेज गाड़ी की तरफ बढ़ रही है, आज इस गाड़ी का क्रेज कम नहीं है भाई, बिल्कुल मजबूती में चाहे जिसमें आप ले लें इसको। बिल्कुल, डिटेल्स क्या है? ये 2004 मॉडल गाड़ी है और सेकंड ऑनर पे है। चली कितना होगी? और चली ये मान के चलिए वही करीब 65-70 के आसपास है। क्या क्या मिलता होगा इसमें फीचर्स में? फीचर्स में इसमें आपको करवाना कुछ नहीं पड़ेगा, इंजन से लेके बॉडी तक वो आप तो देखे हैं, ना तो अंदर सीट कवर डलवाना है, ना तो आपको मैट डलवाना है। एसी वर्किंग में? नहीं, एसी वर्किंग में नहीं है। हाँ। गैस वगैरह पड़नी है बस। वो कौन कराएगा? वो अगर हमारी कस्टमर से बातचीत हो गई तो हम करवा देंगे, जैसे डील पे है। वो डील के ऊपर डिपेंड करता है, वो आप लोग आप समझ लीजिएगा। बाकी इसका पूरा फुल वॉक अराउंड आप ले सकते हैं। यादव जी कितने छोड़ देंगे? ये गाड़ी हम आपको दे देंगे 55,000 रुपए में। मॉडल हो गया चार का? चार मॉडल। आरआर की बात करें? आरआर इसका अभी पेपर वगैरह जो है 25 या 26 तक ओके ओके तक करा चुके ना। ओके, तो चार मॉडल की आपको मारुति 800 मिल रही है 55,000 रुपए। तो अगर आप सीखने के पर्पज से कोई गाड़ी सर्च कर रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। सिर्फ सीखने के लिए नहीं, अगर आपको कोई नहीं, आप डेली का रूटीन है, अगर आप इसे दिल्ली चले जाइए नॉन स्टॉप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात भाई ने बोली, इसका मतलब गाड़ी में आपको कोई खराबी नहीं मिलेगी ना। तो 55,000 में आइए, अपनी फोर व्हीलर का सपना पूरा करिए।
और भी ऑप्शन आपको देंगे 800 में। एक अगला ऑप्शन है यूपी 32 एबी लखनऊ नंबर पर है। मॉडल हो गया ये मॉडल 2007 है, 7 का है जी। ओके। ये लास्ट का है दिसंबर का आपका। तो इसमें भी आरआर की जरूरत पड़ी होगी। आरआर इसका दिसंबर में होगा, अब दिसंबर में होगा ना। होगा। ओके। ओनरशिप है? ओनरशिप सेकंड है। कितना चलिए? ये चलिए करीब 70,000 के आसपास। 70,000 चलिए। इसमें यहाँ पे सीएनजी लिखा हुआ है क्या? सीएनजी लिखा है, सीएनजी गाड़ी है ये। सीएनजी आफ्टर मार्केट लगी है? जी जी। अरे वाह, 800 में आरटीओ मिल रही है, आरटीओ पास भी हो चुकी है, क्या कहने हैं भाई। बाकी अंदर एसीसी वर्किंग होगा, सब कुछ वर्किंग में है। अभी इसका जो बीमा है हमारे पास जी, उस कस्टमर ने बीमा अभी इसका फर्स्ट पार्टी करा के रखा है। ओके। जिसकी आईडीवी वैल्यू 1,10,000 रुपए है। फर्स्ट पार्टी का आपको बीमा ही मिल रहा है भाई, क्या चाहिए, वो भी 800 जैसी गाड़ी में। तो कितने चारों टायर आपके नए हैं इसमें? डिमांड की रखी आपने? ये डिमांड इसकी पड़ेगी भैया 95,000 रुपए। मॉडल हो गया 7 का, 7 मॉडल, 7 मॉडल की 800 विद सीएनजी विद 1 साल का बीमा और डिमांड रखी 95,000। एवरेज का आप जानकारी कर लीजिए कहीं भी, एवरेज ये आपका 30 के अप्रोक्स ही देगी सीएनजी पर। सीएनजी पर छोटी गाड़ी है भाई, कम सीसी गाड़ी, एसी वगैरह सब वर्किंग में इसमें अच्छा खासा मिलने वाला है। तो 95,000 में आपको डबल चाबी है, सेंटर लॉक है, मिल रही है सीएनजी पर, 1 साल का बीमा भी है, माइलेज भी बहुत ही बेहतरीन है। तो अगला ऑप्शन एक और देते हैं हम लोग जी, ये 32 लखनऊ नंबर पर जेन है। ओके। ये 2003 मॉडल गाड़ी है। तो इसमें भी आरआर इसका सब कुछ ओके है, पेपर इसका भी 25-26 तक ओके है। ठीक है, चलिए कितना होगी गाड़ी ये? अभी हमने इसको रिसेंटली बेचा था कस्टमर को जी, और उनको ऊंची गाड़ी की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए जो है गाड़ी वो हमको फिर से दे गए हैं वापस। ओके। यानी कि अभी ज़्यादा नहीं चली होगी अभी ये? ये फर्स्ट ऑनर गाड़ी थी और ये कंपनी का ही पेंट है पूरा। ओके। ओरिजिनल पेंट पे चारों टायर नए हैं गाड़ी में, अंदर बाहर आप चेक कर लीजिए, कहीं भी कुछ नहीं करवाना है आपको, इसमें सर्विस तक नहीं करवाना है। इसमें पावर विंडो नहीं आता होगा? पावर विंडो नहीं है। एसी है? एसी है। पावर स्टीयरिंग? पावर स्टीयरिंग नहीं होगा। ओके। वर्क कुछ कराना बाकी है? कोई भी काम नहीं करवाना, सर्विस तक नहीं करवाना, सर्विस तक नहीं। वाह भाई क्या बात है। तो कितने में छोड़ देंगे इसको? ये गाड़ी हम आपको दे देंगे 73,000 रुपए में। 73 यानी 73,000 में आपको जेन मिल रही है भाई, अच्छी खासी कंडीशन में है। तो अगर आप 800 से ऊपर का सोच रहे हैं तो जेन आप ले सकते हैं। तो पूरे पेपर बीमा उमा सब ओके, इसमें भी सब कुछ है ना जी। यादव जी अगला ऑप्शन देंगे अल्टो। ये 2009 मॉडल है आपकी 32, ये भी लखनऊ के नंबर मिलेगा, 9 मॉडल है, ओनरशिप इसकी थर्ड है। ओके। लेकिन आपको काम कुछ नहीं मिलेगा, ये करीब मान के चलिए 90,000 के आसपास चलिए। ओनली पेट्रोल है? ओनली पेट्रोल। माइलेज क्या निकालती होगी? माइलेज आपका जो नॉर्मल देती है गाड़ियाँ 20-22 का। फीचर्स में क्या मिलता होगा इसमें? फीचर्स पावर स्टीयरिंग है, एसी है, सब कुछ वर्किंग में ना? वर्किंग में सब। टायर जो अच्छी खासी कंडीशन फिलहाल दिख रहा है जी जी जी। हमारे व्यूअर्स से करवाना कुछ नहीं आपको जी, बिल्कुल कुछ नहीं करवाना गाड़ी, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे देने हैं, गाड़ी में चाबी लगाइए, आराम से लेके जाइए ना भाई जी, बिल्कुल। बाकी सर्विसिंग वाली जो होगा, अगर कराना होगा, सर्विस अगर बताएंगे तो हम करवा देंगे ना जी। कितने में छोड़ देंगे ये गाड़ी? हम आपको दे देंगे 95,000 रुपये में। 9 मॉडल की भाई अल्टो आपको मिल रही है 95,000 में। LXi होगी? LXi है। वाह भाई, तो 95,000 में आपको अल्टो मिल रही है, रेट आप कंपेयर कर सकते हैं, चैलेंज होगा? बिल्कुल कर सकते ना। और थोड़ा बहुत अगर चैनल का नाम बताएंगे तो यादव जी थोड़ा और डिस्काउंट किया जाएगा ना? कर देंगे, कर दिया जाएगा ना। अगली कार पे आते हैं यादव जी, अगला ऑप्शन देंगे एक और अल्टो में ही जी। यूपी 32 लखनऊ के नंबर पर है, मॉडल 2007 मॉडल गाड़ी है, 7 का है। ओके। आरआर होगा? हाँ, आरआर अभी नहीं, अब होगा इसका, अभी होना बाकी रह गया। ठीक है, चलिए कितना होगी ये? चलिए फर्स्ट ऑनर गाड़ी है और ये करीब 65,000 के आसपास चलिए। ओके। ओनली पेट्रोल है? ओनली पेट्रोल। माइलेज वही आपका 20-22 का। ठीक है, फीचर्स में सब कुछ वर्किंग है? सब कुछ वर्किंग में। एसी होगा जी, चल रहा है ना? पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग होगा ना? ओके। बाकी टायर स्लैब क्या है? टायर वायर भी आप देख लीजिए, टायर आपको कुछ नहीं करवाना, नए टायर समझ लीजिए बड़े अपोलो के, वो भी टायर। बाकी आप इसकी पूरी प्रोफाइल फ्रंट देख सकते हैं, इसमें किसी तरह का काम बाकी है या करवाया है आपने? नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं करवाया है और ना ही करवाना है जी, कुछ करवाना भी नहीं है। ओके। बाकी इसका पूरा फुल वॉकराउंड आप ले सकते हैं। डिमांड रखी इसकी? इसकी डिमांड भी है आपके 80,000 रुपये। 80,000 में आपको एक और ऑप्शन दिखाया है अल्टो का, कम रेंज में ये भी है, 7 मॉडल की है, आरआर इसका बाकी है। जब तक आप लेने आएंगे, अगर आरआर का टाइम आ चुका होगा तो भाई करवा देंगे, अगर टाइम डील पे है, डील पे डिपेंड करता ना। वैसे फिलहाल आपको कम बजट में गाड़ी दिखाई जा रही, बाकी आप बैठ के बात करेंगे वो सब बातें हो जाएंगी ना। तो एक और अल्टो हो गई, एक और आपको अल्टो का ऑप्शन देंगे, यूपी 32 लखनऊ नंबर पर है। दरअसल ये इंडिया की मोस्ट पॉपुलर गाड़ी है जी, बिल्कुल, और जो आपकी मिडिल क्लास फैमिली है, हाँ,
पहली पसंद है उसकी। बिल्कुल भाई, फैमिली कार जैसे वैगनार होती है वैसे हमारे अल्टो को भी बहुत लोग पसंद करते हैं भाई। अब देखिए सब और भी कार बाजारों पे बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलती हैं, कोई छोटी गाड़ी ज्यादा इशाक नहीं रखता जी, बिल्कुल। तो हम जो थोड़ा मीडियम क्लास के आदमी है लोग ध्यान रख रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल भाई, उन्हीं के लिए हम लोग आइए और कैश करके आप तुरंत गाड़ी लेके चले जाइए, कोई फाइनेंस वाइनेंस का कोई चक्कर नहीं, बिल्कुल। उतना बजट हम दे रहे हैं कि आप फाइनेंस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, क्योंकि आपको अच्छे खासे बजट मिल रही है और जो भाई रेट बता रहे हैं वो फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाएगा ना। डिटेल्स पे आते हैं, मॉडल हो गया ये भी 2007 मॉडल है, ये भी फर्स्ट ऑनर गाड़ी है आपकी। कितना चल गई होगी ये भी? अप्रोक्स वही करीब 90-90 हज़ार। ओके, एलेक्सा की एलेक्सा ही है। फीचर्स में क्या मिलता होगा? फीचर्स वही आपको पावर स्टीयरिंग सब कुछ वर्किंग में मिल तो रहा है, सब कुछ वर्किंग में ना, मैनुअल सब काम कर रहा है? जी जी बिल्कुल काम कर रहा है। बाकी टायर्स कैसा होगा? टायर्स भी आप देख लीजिए सब नए कंडीशन में, टायर में भी आपको कुछ शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बाकी बम्पर भी आप देख सकते हैं वो भी अच्छी खासी कंडीशन में है, डिमांड की रखी है ये 85,000 रुपये की है। एक और ऑप्शन भाई अल्टो का 85,000 में कम बजट में आपको बहुत ही बेहतरीन गाड़ी हम लोग दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे ना भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी दिखाएंगे आपको एक और अल्टो में ऑप्शन, UP 32 लखनऊ नंबर, ये भी LXi? जी ये भी LXi है, 00085, अच्छा नंबर मिल जाएगा। मॉडल हो गया ये 2008 मॉडल है आपकी। ओनरशिप इसकी थर्ड है। और चली कितना होगी? ये चली है करीब 1 के आसपास, 1 लाख के आसपास चल चुकी है। माइलेज क्या निकलती होगी? माइलेज वही सेम सेम माइलेज ना। बाकी इसका इंटीरियर बहुत ही नीट एंड क्लीन दिख रहा है, कुछ अलग से मिल रहा है क्या? सेम है सब कुछ, सेम है सब कुछ वर्किंग में ना। जी 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 टायर्स इसमें भी आपको देखिए जी बिल्कुल सब अच्छी कंडीशन, ये भी मिलेगा कंडीशन में, यानी भाई ने यहाँ पे जो स्टॉक रखा है कहने को सब बस पुरानी गाड़ियाँ हैं। जी जी जी, लेकिन सब कुछ अच्छी कंडीशन में, बढ़िया वेल मेंटेन कंडीशन में, डिमांड की रखी इसकी। इसकी डिमांड भी है 90,000 रुपये। 90,000 में आप अपनी कार का सपना यहाँ भी पूरा कर सकते हैं। अगर आप 2-व्हीलर लेने का सोच रहे हैं तो भाई उसी रेट में आपको 4-व्हीलर मिल रही है। जी जी, आराम से, आप जानते हैं कितना धूप बरसात हो रही है तो उसके लिए आपको अच्छा खासा सेफ भी रखेगी ना। तो 90,000 में आप अल्टो लेके जाइए, रेट में थोड़ा बहुत तो कम हो जाएगा ना। अगला हम लोग इंस्टॉलमेंट देने वाले हुंडई की एक्सेंट है, एक्सेंट जो ओल्ड शेप का है, UP 32 लखनऊ नंबर पर है ये, 2012 मॉडल है और CNG है। 12 मॉडल है, CNG भी है, वाह भाई। 25+ माइलेज रहेगा, CNG पे निकाल देगी ना, पेट्रोल पे 17-18, पेट्रोल पे 17-18 खींच देगी ना। ओके, चली कितना होगी? ये चली है आपकी करीब करीब 82,000 के, 82,000 चल चुकी है। फीचर्स में क्या मिल जाएगा इसमें? फीचर्स आपको चारों पावर विंडो मिलेंगे, पावर स्टीयरिंग, AC वगैरह सब मिलेगी। ओके, और कैमरा वगैरह सब मिलेगा आपको, कैमरा भी लगा है, LCD वगैरह सब लगी है जी। वाह भाई, कैमरा भी लगा हुआ, आफ्टर मार्केट लगा होगा? जी आफ्टर मार्केट लगा हुआ ना। बाकी टायर है, चारों टायर नए। ओके, इसमें वर्क कराना है कुछ? कुछ नहीं करवाना गाड़ी में। आपने कुछ कराया नहीं? जो करवाना था वो हमने करवा दिया ना, मेजर कुछ नहीं ना? नहीं, एक्सीडेंटल नहीं है ना, एक्सीडेंटल पूरी जिम्मेदारी, पूरी गारंटी, ठीक है। बाकी इसका पूरा फुल बैकग्राउंड आप ले सकते हैं, डिमांड रखी है। इसकी डिमांड है भैया 1,70,000 रुपये। 1,70,000 आपको सेडान गाड़ी मिल रही है विद CNG और बैक कैमरा भी लगा हुआ, लखनऊ नंबर है। तो अगर आप थोड़ा सा और पैसा लगा करके आप अच्छी खासी सेडान कार उठा सकते हैं भाई, जिसे चारों पावर विंडो हर चीज मतलब फीचर्स मिल रहा है। तो यादव जी, एक हो गए हिंडी एसेंट जी, एक और ऑप्शन देंगे सिल्वर, वो थी व्हाइट, ये हमारी है लाइट ग्रीन कलर पे। जी जी, UP 32 बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा नंबर, यूनिक नंबर है भाई, है ना। 2003 मॉडल गाड़ी है, तीन है तो ओनर, ये भी CNG है। ओनरशिप होंगे इसके? ओनरशिप ये है आपकी थर्ड है जी। तो RR हुआ है इसका? RR हो चुका है। चली कितना होगी? पेपर वगैरह सब ओके है इसका, ये 1 लाख के आसपास ऊपर चली थोड़ा सा। ओनली पेट्रोल है? नहीं, CNG ये भी है, CNG है, आफ्टर मार्केट होगा जो कि? जी जी बिल्कुल। ओके, माइलेज क्या निकाल रही है? सेम माइलेज निकालेगी ना। फीचर्स में क्या मिल रहा है इसमें? फीचर सेम मिलेगा, फीचर्स भी आपको। ओके, बाकी इसमें मिला था आपको डैशबोर्ड जो है आपको वुडन फिनिश में मिलने वाला है, ये भी आफ्टर मार्केट होगा। जी जी, टायर्स लग क्या है? टायर्स भी बढ़िया है आपके, ठीक है। इसमें वर्क की बात कर लें, वैसे मुझे लग तो नहीं रहा देख करके इसमें कोई वर्क कराना बाकी रह गया है, जो कुछ था भाई ने करवा दिया है जी। मतलब आप अगर ले जाएंगे तो आपको ये कोई इसमें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा ना भाई? डिमांड क्या रखी है? डिमांड इसकी 1,05,000 रुपये मात्र। 1,05,000 में आपको एक सेडान कार और दिखाई है हमने, इसमें भी रेट में थोड़ा बहुत तो बार्गेनिंग जी भाई कर देंगे ना। अगली कार पे आते हैं, तो अगला ऑप्शन देंगे यादव जी हम लोग, टाटा की इंडिगो है। इंडिगो UP 25 हो गया भाई जी। ये आपकी रायबरेली, तो अभी ट्रांसफर हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, फर्स्ट ऑनर है, डीजल गाड़ी है, मॉडल 2009 है। चली है ये करीब करीब 75,000 के आसपास, 75 पे डीजल पे ना, डीजल पे। माइलेज आपका ये देगी, जो नॉर्मल गाड़ियाँ देती है TDI इंजन बेस्ड है,
इसका माइलेज बहुत बेहतरीन होता है, माइलेज भी बेहतरीन होता है और इसका जो है इंजन भी सर्विस कास्ट बहुत कम आता है, कम आती है, यानी कि आप मेंटेनेंस चार्जेस जो इसका होता है बहुत कम होता है। बाकी बहुत लोग चाहते हैं हमको गाड़ी से पैसा कमाना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको कमर्शियल यूज में भी ले सकते हैं। इसमें भी चारों टायर आपके नए पड़े हैं। चली कितनों के लगभग? चली ये करीब 75,000 के आसपास है। और फीचर्स में क्या मिल जाएगा? फीचर्स आपके पावर विंडो और पावर स्टेयरिंग, एसी वगैरह सब मिलेंगे ना? बिल्कुल। पेंट जॉब इसमें? ये ओरिजिनल कंपनी का पेंट है। थोड़ा बहुत इसमें वर्क मुझे दिख रहा है बम्पर पर, जो है हमने इसलिए करवाया नहीं है, अगर बताएंगे तो करवा देंगे, कस्टमर कहेंगे तो आप करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिमांड क्या रखी है? ये 1.10 है इसकी। 1,10,000 में आपको टाटा इंडिगो मिल रही है। अगर आप कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एक और ऑप्शन आपके पास है टाटा की इंडिगो, एक और 12 मॉडल है, लखनऊ नंबर 12 है। ये थी हमारी, ये 9 मॉडल है, 9 और ये है 12 मॉडल। ओनरशिप? ओनरशिप फर्स्ट। कितना चलिए? ये चलिए आपका करीब 1,00,000 कुछ है, 1,00,000 समथिंग चल चुकी है। ओके, फीचर्स में क्या मिलता होगा? फीचर्स आपको चारों पावर विंडो मिलेंगे, पावर स्टेयरिंग जी वगैरह सब वर्किंग में ना जी, एलॉय व्हील पे है। इसका भी माइलेज सेम निकल रहा होगा? सेम माइलेज निकलेगा। बाकी टायर्स वगैरह अच्छी कंडीशन में? टायर्स सब बढ़िया एकदम कंडीशन में। बाकी इसमें भी वर्क है भाई थोड़ा ना? हाँ जी, थोड़ा बहुत वर्क है। वो बताएंगे तो हम करवा देंगे, जैसा हमारे उनके डील पे है, सब डील पर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी इसका पूरा फुल वॉकराउंड आप ले सकते हैं, डिमांड रखी है। ये आपको फाइनल दे देंगे 1,05,000 रुपये की। 1,05,000 में टाटा इंडिगो मिल रही है। दो ऑप्शन आपको दिखाए, दोनों में से आप कोई भी बार्गेनिंग करा के ले सकते हैं ना भाई जी। अगला ऑप्शन हम लोग देंगे, छोटी अगर आपकी फैमिली है, 4 से 5 मेंबर है, तो छोटी गाड़ी आप सर्च कर रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास भाई हुंडई ईऑन। बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, लो मेंटेनेंस मांगती है, बाकी हुंडई का आपको ब्रांड मिलता है। UP 32 लखनऊ नंबर व्हाइट कलर पर ईऑन, पहले बात करेंगे है कौन सा वेरिएंट? ये वेरिएंट है आपका डिलाइट है। क्या है? डिलाइट है। ओके, डिलाइट मिलने वाला है। मॉडल हो गया मॉडल 2014 का है। 14 का। ओनरशिप? ओनरशिप इसकी थर्ड है। चली कितना होगी? चली है ये करीब मान के चलिए 1,00,000 के आसपास है। 1,00,000 के आसपास। ओनली पेट्रोल है? LPG है। LPG भी है? आफ्टर मार्केट है? आफ्टर मार्केट है। माइलेज क्या निकाल रही होगी? LPG आपका मान के चलिए करीब 27-28 का माइलेज निकालेगी, और पेट्रोल पे आपका 20-22 का माइलेज आसपास आराम देगी ना। फीचर्स में क्या मिलता होगा? फीचर्स आपको बैक कैमरा मिल रहा है, LCD मिल रही है जी, और पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो। वाह भाई, आपको ईऑन में बैक कैमरा और LCD स्क्रीन भी मिल रही, क्या कहने हैं भाई। बाकी बम्पर में वर्क होगा? जी जी, थोड़ा बहुत काम है ना, वो डील पे बात करेंगे तो जी, हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिमांड क्या रखी है? मात्र 1,50,000 रुपए है। मात्र 1,50,000 रुपए में आपको हुंडई की ईऑन मिल रही है विथ LPG, विथ बैक कैमरा, विथ LCD स्क्रीन। क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए भाई। कॉल करेंगे तो रेट में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ना। तो एक और आपको लो सेगमेंट में ऑप्शन देंगे, सोयलेट की हमारी स्पार्क है। UP 32 लखनऊ नंबर पर है। डिटेल्स? मॉडल? मॉडल 2009 है और सेकंड ओनर है ये। चली कितना होगी? ये चली है करीब मान के चलिए 85,000 के आसपास। 85,000। ओनली पेट्रोल है? नहीं, ये CNG है आपकी। पेट्रोल प्लस CNG? पेट्रोल प्लस CNG। कंपनी के साथ क्या है? नहीं, आफ्टर मार्केट है। RTO पास है? RTO पास है। ओके, जो भी हमारे पास गाड़ियाँ मिलेंगी आपको CNG और LPG अगर होगी तो वो RTO पास हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, वही लोग गाड़ियाँ लेते हैं जो अगर मान लीजिए नहीं पास है तो वो थोड़ा सा अवैध तरीके का हो जाता है जी। बिल्कुल, तो कस्टमर को उसमें दिक्कत हो जाएगी। हाँ। यानी कि आपको यहाँ पे कार के साथ में भरोसा भी भाई देगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। वापस आते हैं, चली कितना होगी? चलिए करीब 85,000 के आसपास है। फीचर्स में क्या मिलता होगा? फीचर्स आपको चारों पावर विंडो मिलेंगे, पावर स्टीयरिंग जी, और AC वगैरह मिलेगा। वर्किंग में टायर्स भी आपके सब 90+ हैं। वाह भाई, टायर्स में भी आपको कोई शिकायत नहीं मिलने वाली, अच्छी खासी इसमें लाइफ बाकी है। डिमांड क्या रखी है? इसकी डिमांड भी है 1,05,000 रुपये। 1,05,000 में आपको स्पार्क मिल रही है विथ LPG। CNG। अच्छा, LPG इसमें लगी? हाँ, LPG इसमें लगी। सॉरी, CNG इसमें लगी। इसमें CNG लगी हुई है, तो माइलेज आपका 30 के आसपास ही देगी। वाह, आपको कहीं चेक नहीं करवाना है, डलवा के चेक करवा ले पहले हम। CNG से ही चल रही है। अगर कोई टेस्ट ड्राइव करेगा तो आप CNG से टेस्ट ड्राइव भी करवा देंगे ना? बिल्कुल करवा देंगे। तो 1,05,000 में आइए, स्पार्क ले जाइए विथ CNG, और रेट में थोड़ा बहुत तो बार्गेनिंग हो जाएगी ना। अगली कार पे आते हैं तो यादव जी, अगला ऑप्शन एक और देंगे छोटी गाड़ी में। 2008 मॉडल गाड़ी है आपकी। जेनेस्टिलो। UP 32 लखनऊ नंबर पे 8 मॉडल है, सिल्वर कलर है। ओनर होंगे? ओनर इसका है थर्ड। और चली कितना है? चलिए करीब मान के चलिए ये 77,000 के आसपास। ओनली पेट्रोल? CNG है। पास। ओके, इसमें भी आपको CNG का ऑप्शन मिल रहा है भाई, क्या बात है। फीचर्स में क्या मिलता होगा? फीचर्स आपको पावर विंडो मिलेगा, दो मिलेंगे और दो पावर विंडो है, AC वगैरह जी।
ओके, बाकी टायर्स कैसा होगा? टायर्स भी आपके सब वेल मेंटेन है, कुछ नहीं करो। डिमांड क्या रखी है? डिमांड इसकी 1,00,000 रुपये है। 1,00,000 रुपये में आपको जेन स्टीलो मिल रही है विद CNG। आएंगे तो इसमें भी रेट थोड़ा बहुत देख लेंगे ना। जी बिल्कुल। अगला ऑप्शन आपको देंगे हुंडई ब्रांड की सेंट्रो जिंग, हीरा गाड़ी है भाई, बहुत रेयरली मार्केट में मिलती है, UP 32 लखनऊ नंबर पर है। ये भी CNG है। वाह भाई क्या बात है, क्योंकि पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो रहा है। सही बात है भाई, आदमी हर कोई चाहता है, इसलिए हम CNG गाड़ियां ज्यादातर लाते हैं। लो बजट की गाड़ी, ऊपर से आपको CNG है और कुछ गाड़ियों में LPG मिल रहा है, क्या कहने हैं भाई। मानिया कार बाजार के, तो भाई मॉडल है, मॉडल 2005 है, इसका पेपर वगैरह सब ओके है। RR जी सब ओके है। ओनरशिप है? ओनरशिप सेकंड है। चली कितना होगी? चली इसका पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, करीब मान के चलिए वही करीब 80-90 के आसपास। ओके, तो CNG आपने बताया वो कंपनी के साथ का है? नहीं बाहर का है, आफ्टर मार्केट मेंशन है पेपर पे ना, पूरा एकदम ठीक है। माइलेज क्या निकाल रही होगी? माइलेज आपका CNG पे बेहतर निकालेगी, और बाकी अगर आप पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल पे आपका उतना नहीं निकालेगी, मान के चलिए 17-18 के आसपास निकालेगी। फीचर्स में क्या मिल जाएगा? फीचर्स आपके पावर विंडो मिलेंगे, बाकी AC वगैरह है, और स्टीयरिंग पावर विंडो मिल रहा है इसमें? जी बिल्कुल। कितने हैं? दो पावर विंडो, दो पावर विंडो। ओके, बाकी टायर्स हैं अच्छी? टायर्स भी बढ़िया कंडीशन में आपके जी, कुछ करवाना नहीं रहेगा। बम्पर पे कोई वर्क नहीं है, बस सिर्फ पानी मांग रही है। ओरिजिनल पेंट पे गाड़ी है, ठीक है, तो कंपनी का पेंट है जी। डिमांड? डिमांड 1,00,000 रुपये भाई। 1,00,000 रुपये में सेंट्रो जिंग ले जाइए, इसमें भी CNG लगा हुआ है, और रेट में इसमें थोड़ा बहुत देख लिया जाएगा, बिल्कुल नेगोशिएबल हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारी फोर्ड की आइकॉन, फोर्ड आइकॉन UP 32 लखनऊ नंबर पर है, लाइट ब्लू कलर कह सकते हैं इसको। मॉडल हो गया? मॉडल 2007 का है ये। ओनरशिप सेकंड है। और कितना चली है? ये चली है करीब करीब मान के चलिए 70,000। 70,000 चल चुकी है। डीजल पेट्रोल? पेट्रोल है। पेट्रोल पर है जी। माइलेज? माइलेज आपका 15-16। ओके, फीचर्स में क्या मिल जाएगा इसमें? फीचर्स आपको चारों पावर विंडो मिलेंगे, AC, पावर स्टेयरिंग, सब कुछ वर्किंग में ना? सब वर्किंग। टायर्स की लाइफ क्या है? टायर्स भी आपके सब मान के चलिए 80+ है। ओके, बाकी बम्पर पे थोड़ा बहुत मुझे वर्क दिख रहा है, वो डील पे बात होगी तो होगा, हो जाएगा ना। बाकी इसका पूरा फुल वॉकराउंड आप ले सकते हैं। डिमांड रखी है? डिमांड इसकी मात्र 65,000 रुपये भाई। 65,000 में आपको सिडान कार मिल रही है, 65,000 में तो आपको हैचबैक नहीं मिलती ढंग की भाई। जी उस रेट में आपको यादव जी दे रहे हैं मान्या कार बाजार में सिडान कार 65,000 में। और कुछ देखा जाएगा इसमें गुंजाइश? बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो भाई 65,000 में आइए, सिडान कार लेके जाइए, मस्त मॉडिफाई कराइए भाई। निशान की हमारी सनी भाई, आप इधर पास आइए, दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए निशान का आपको लोगो एकदम जगुआर टाइप का लगवा दिया भाई ने। इधर देखिए आपको ग्रिल्स पर निशान का यहाँ पे बेजिंग मिल जाएगी, कितना मस्त लुक में ये भी आपको मिल रहा है। हेडलैम्प पे भी आपको क्रोम फिनिश वर्क मिल रहा है, लेमिनेट है, मिल रहा है, ये सब लेमिनेट है, लेमिनेट भी है जी। वाह भाई, तो ये आफ्टर मार्केट करवाया है? ये आफ्टर मार्केट हुआ। कितना खर्चा लगा होगा? मान के चलिए इसमें मोटा मोटा जो है सीट कवर, LCD और ये क्रोमिंग इसकी जो है कंपनी की है, करीब करीब 18,000 रुपये की क्रोमिंग है। ओके, ओवरऑल कितना आ गया वो खर्चा? लाइफ टाइम गारंटी क्रोमिंग की, कभी काला नहीं पड़ेगा। वाह भाई, और बाकी सब अलॉय और अलॉय व्हील्स भी हमने आफ्टर मार्केट का जी। क्या है ओवरऑल खर्चा इसका? करीब करीब आया है 1,25,000 के आसपास। यानी कि एक अल्टो इसमें घुसड़ दिया आपने ना? जी एक अल्टो जितने मिल जाती है उतने का भाई ने सिर्फ इसमें मॉडिफाई करवा दिया है। डिटेल्स पे आते हैं, नॉर्मल डिटेल्स पे, मॉडल कौन सा होगा? मॉडल 2014 का है। 14 का है। ओनरशिप? ओनरशिप फर्स्ट है। कितना चल गई है? 60,000 के आसपास। 60,000 पेट्रोल डीजल? डीजल गाड़ी है। डीजल पर है। माइलेज? और माइलेज इसका आप यकीन नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, वो जब आएंगे तो हम निकाल के दिखा देंगे। ये हाईवे पे आपका 30-32 का माइलेज देगी, मतलब बाइक के बराबर का। बाइक के बराबर का। वाह भाई, 30-32 का भाई कह रहे, चैलेंज भी कर रहे, कोई आएगा तो मैं दिखा दूंगा हाईवे पर ही आराम से। ये पर्सनल यूज की हुई गाड़ी हमारी है। हाँ, जैसा भाई से मेरी बात हुई थी, ये पर्सनल यूज पे भाई चला रहे हैं, उन्होंने बताया ये सब जो वर्क आप देख रहे हैं भाई ने अपने खर्चे पे कराया है। जी। फीचर्स वैसे क्या मिलता होगा? फीचर्स आपको इसमें सब कुछ मिलेगा, एयरबैग से लेके पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, बैक कैमरा, LCD सेंसर, बेस्ट ट्यूब तक। तो ये सब जो है आफ्टर मार्केट का है, जैसे बैक कैमरा हो गया जी, सब आफ्टर मार्केट, LCD स्क्रीन आफ्टर मार्केट जी। जैसा कि भाई बता रहे हैं 1,25,000 रुपये का इसमें भाई ने अलग से खर्चा करवाया है। तो बाकी इसका आप ओवरऑल कंडीशन देख सकते हैं। डिमांड रखी है? डिमांड इसकी जो है 3,90,000 रुपये 3,90,000 में आपको निशान की सनी मिल रही है, जिसमें मात्र 1,25,000 रुपये का सिर्फ और सिर्फ अलग से वर्क कराया गया है, मॉडिफाई कराया गया है, इसका लुक बढ़ाया गया है। और रेट में अगर कॉल करेंगे तो भाई थोड़ा बहुत तो बिल्कुल कर देंगे ना। ओके, अगली कार पे आते हैं यादव जी। अगला ऑप्शन हम लोग देंगे मारुति जिप्सी का जी।
आप इधर नंबर फोकस करिए, UP 32 BG, समझ जाइए आप भाई ये अधिकारी की गाड़ी है, पुलिस में लगी हुई थी ना जी, जी अभी जी। भी है, हट गई नहीं, अभी हट गई, अभी हट गई है, पर्सनल हो गई। ओके, मॉडल हो गया, मॉडल 2004 है, चार का है जी। तो RR हुआ है, RR नहीं होता, इसमें फिटनेस होता है, इसमें फिटनेस होता है, कितने सीटर है, 8 सीटर है क्या? ओके, तो अभी और पेट्रोल है ये, फिटनेस अभी करवा लिया कि नहीं अभी इस साल का? पेपर वगैरह सब ओके है पूरा। ओके, चली कितना होगी? चली है करीब मान के चलिए 85-90 हज़ार के आसपास। माइलेज? माइलेज आपका ये कम का देगी, मान के चलिए 15-16 का। ओनली पेट्रोल है? 15-16 इसलिए देगी आप, पेट्रोल है, पेट्रोल है। ओके, 15-16 इसलिए देगी क्योंकि ये गाड़ी 4x4 है आपकी। पुलिस वालों को जो गाड़ी दी जाती थी पहले जब से, उसे 4x4 क्यों होता था? उसका स्पीड बढ़ाने के लिए होता था, स्पीड बढ़ाने के लिए, और चाहे जहां आप लेके चले जाइए ऑफ रोडिंग भी आप इससे आराम से कर सकते हैं, कर सकते हैं। फीचर्स इसमें मोटा मोटा क्या मिलता होगा? फीचर्स इसमें ज़्यादा नहीं मिलता है, एसी मिलेगा? एसी नहीं मिलता, एसी नहीं, आता ही नहीं, आता ही नहीं था। ओके, बाकी मैनुअल हैंडल्स मिलेंगे, पावर स्टीयरिंग नहीं नहीं होती है उस टाइम, आती थी तो भाई कहाँ चलेंगे। बाकी इसका आप ओवरऑल कंडीशन देख सकते हैं, डिमांड रखी है, डिमांड इसकी भैया मात्र 1,80,000 रुपये, 1,80,000 में आपको मारुति की जिप्सी मिल रही है, ले जाइए भाई, आप भी अधिकारी जैसा फील करेंगे ना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अगला ऑप्शन एक और है हमारा, 800 इधर खड़ी है, इसको भी कवर कर लेते हैं। UP 32 लखनऊ नंबर पर है भाई, डिटेल्स क्या है? ये 2007 मॉडल गाड़ी है आपकी, RR अभी टाइम अभी होना है, अभी होना है। ओके, ओनरशिप है? ओनरशिप सेकंड है। कितना चली है ये? चली है करीब करीब 62,000 के आसपास, 62,000 चल चुकी है। माइलेज? ओनली पेट्रोल है? पेट्रोल है। माइलेज क्या दे रही होगी? माइलेज आपका पेट्रोल पे देगी 18 के आसपास। ठीक है, फीचर्स में क्या मिल जाएगा? फीचर्स आपको इनमें एसी वगैरह मिल जाएगी बस। ओके जी, बाकी स्टीयरिंग को मैनुअली होगा? मैनुअल रहती है, मैनुअल होगा ना। टायर्स भी आप देखिए, आपको वो भी अच्छी खासी कंडीशन मिलने लगा है। वर्क इसमें मुझे कुछ दिख नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन कंडीशन दिख रही है, कुछ काम नहीं करवाना आपको गाड़ी में। डिमांड क्या रखी है? डिमांड इसकी जो 70,000 रुपये, 70,000 में आपको 800 मिल रही है, जिसमें आपको कोई भी वर्क नहीं कराना है। कंडीशन भी आप देख सकते हैं, आप समझ जाएंगे, आएंगे बस टेस्ट ड्राइव आपको करना है। आपको एक मतलब इसमें एक स्क्रैच भी नहीं मिलेगा आपको, वो देखने से पता लग रहा है भाई कि एकदम वेल मेंटेन में 70,000 में आपको 800 मिल रही है। साथ आपकी दूसरी कलर में है, बाकी तो ये आफ्टर मार्केट होगा जी जी जी। ओके, आपको रूफ जो कलर मिल रहा है वो आपको अलग कलर मिल रहा है। 70,000 देंगे? 70,000 नहीं देंगे ना, थोड़ा नहीं, कम? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा कम हो जाएगा ना, बिल्कुल। ओके, अगर आएंगे तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। अगला ऑप्शन देंगे हम लोग मारुति की रिट्ज जी, छोटी गाड़ी में। जैसे आपको हुंडई में यौन दिखाया था, अगर आपको हुंडई ब्रांड पसंद नहीं आ रहा या रेट में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप एक बेटर ऑप्शन एक ये भी आपके लिए रिट्ज का, मारुति के जैसा ब्रांड आपको मिलेगा। UP 32 लखनऊ नंबर पर है, 3335 नंबर है भाई। डिटेल्स क्या है? ये 2009 मॉडल गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है और डीजल गाड़ी है। डीजल है तो VDI होगी? VDI है, VDI है। ओके, चली कितना होगी? चली है ये करीब 90 के आसपास चल चुकी है। माइलेज क्या निकालती होगी? माइलेज आपका स्विफ्ट वाला ही निकालेगी, क्योंकि इसमें भी स्विफ्ट का इंजन होता है। ओके जी, बाकी मान के चलिए भाई आपका शहर में जो है 20-20 के आसपास, 20-20 के आसपास, और हाईवे पे आपका 25-26 का खींच देगी ना। ओके, फीचर्स में क्या मिल जाएगा? फीचर्स आपको चारों पावर विंडो मिलेंगे, पावर स्टीयरिंग, एसी वगैरह सब मिलेगा, सब कुछ वर्किंग में मिलेगा ना? सब वर्किंग में मिलेगा। टायर्स भी भाई कहने जोड़ते नहीं पड़ेगी, टायर्स भाई अच्छे खासे कंडीशन टायर भी मिल रहे हैं। बाकी इसमें वर्क, बम्पर वर्क कुछ कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं ना। बाकी इसका पूरा फुल वॉकराउंड आप ले सकते हैं। तो कितने में छोड़ देंगे इसको? ये मात्र 1.5 लाख में दे देंगे आपको। मॉडल हो गया 2009, नौ मॉडल की आपको मारुति की रिट्ज मिल रही है डीजल वेरिएंट पे मात्र 1.5 लाख में। और इसमें थोड़ा बहुत तो और देखा जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल देखा जाएगा ना। ओके, अगली कार पे आते हैं। तो यादव जी, छोटी गाड़ियां बहुत दिखा चुके हैं कम बजट में, अब आपको एक SUV भी दिखाएंगे कम बजट होगा, ये भी कम बजट में ही पक्का ना जी। ओके, तो पहले डिटेल्स देंगे, टाटा हमारी सफारी डाइकोर है जी, डाइकोर है, UP 78 आपको कानपुर का नंबर मिलेगा, सेकंड ओनर गाड़ी है। अभी कहाँ पे इंडोर्स है? कानपुर ही है, कानपुर में ही है, एंड उससे आप कहीं की दिलवा देंगे जी। ओके, मॉडल हो गया? मॉडल 2010 का है, 10 का है। ओनरशिप? ओनरशिप सेकंड है। चली कितना होगी? चली एक के आसपास है, एक के आसपास चल चुकी है। लाइफ अभी भी और होगी ना इनके चलने जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, 4-5 लाख तो जाती हुई आराम से, आराम से, आराम से ना। फीचर्स में क्या मिल जाएगा? फीचर्स आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो चारों, एसी वगैरह जी, बाकी SUV का मजा तो है जी। और सब कुछ वर्किंग में होगा ना जी, सब। बाकी बम्पर पे बस सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है सिर्फ पानी मांग रही है, एसी का काम है। हाँ जी, अच्छा एसी का काम है इसमें, एसी का काम वो डीलर से मतलब कस्टमर से बात करेंगे जी, तो जी बैठ हो जाएगा ना जो बनेगा आप लोगों का। बाकी इधर साइड में थोड़ा जी जी है वर्क थोड़ा सा, बस यही है बम्पर ही आपका बस, बाकी तो इसके अलावा कुछ सिर्फ और सिर्फ पानी मांग रही ना भाई। बाकी इसका पूरा फुल वॉकराउंड आप ले सकते हैं, डिमांड रखिए इसकी।
इसकी डिमांड भैया 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए में आपको सफारी डाइकोर मिल रही है भाई, और इसमें भी थोड़ा बहुत रेट में बिल्कुल निगोशिएबल देंगे ना जी। अगली कार पे आते हैं तो यादव जी एक और ऑप्शन देंगे, थोड़ी गंदी दिख रही है बट आपको डिटेल्स जो है एकदम साफ मिलेंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल UP 71 हो गया आपका 2000, ये आपके फतेहपुर, फतेहपुर का है। ओके मॉडल है, मॉडल 2013 है, 13 का है ओनरशिप, फर्स्ट ओनर। चलिए कितना है? चली है ये करीब करीब मान के चलिए 80,000 के आसपास। 80,000 फिलहाल नाम बताना भूल गए थे गाड़ी का। गाड़ी हमारी टाटा इंडिका, इंडिका विस्टा, विस्टा है, विस्टा है ना। UP 71 आपका फतेहपुर बता चुके हैं भाई, उसी कहीं के दिलवा देंगे। इंजन है इसका स्विफ्ट वाला, स्विफ्ट वाला इंजन है। ओके फीचर्स क्या मिलता होगा? फीचर्स आपको चारों पावर विंडो मिलेंगे, पावर स्टीयरिंग, एसी वगैरह सब मिलेगा, सब कुछ वर्किंग में ही ना। बाकी इसमें धुलाई के अलावा भी थोड़ा बहुत वर्क है जी जी। क्या क्या वर्क है? बाकी वर्क में जो है आपका साइड मिरर भी दोनों नहीं लगे हैं? नहीं नहीं साइड मिरर एक सिंगल आता है इसमें। अच्छा सिंगल ही आता है जी जी जी। ओके तो वो लगवा दिया जाएगा? लग जाएगा, कस्टमर से बात करेंगे। बाकी आप लोग बस गाड़ी दिखा रहे हैं, बाकी आप बैठ के बात करेंगे, सब कुछ कम ज्यादा हो जाएगा। तो डिमांड के रखिए इसकी, ये 1 लाख रुपए की है। 1 लाख रुपए में आपको टाटा इंडिका विस्टा मिल रही है। जैसा कि भाई हर बार बताते हैं रेट में थोड़ा बहुत तो बार्गेनिंग कर देंगे ना, बिल्कुल हो जाएगा। अगली कार पे आते हैं तो यादव जी इंडिका विस्टा दिखा चुके हैं जी, इंडिका V2। अब इंडिका V2 उसका मतलब ओल्डर वर्जन जो कहते हैं। UP 32 लखनऊ नंबर पर है, मॉडल है 2010 का है, और ओनरशिप है? ओनरशिप इसकी सेकंड है। चलिए कितना होगी? चलिए 1 लाख के आसपास। 1 लाख के आसपास चल रही है। डीजल, डीजल माइलेज, माइलेज आपका वही निकालेगी 20-22 के आसपास निकालेगी ना। फीचर्स में क्या मिलता होगा इसमें? फीचर्स आपको पावर विंडो मिल जाएगा आगे का 2, और पावर स्टीयरिंग मिलेगा, सब कुछ वर्किंग में ना जी जी जी। टायर्स, टायर्स कंडीशन भी, टायर्स में थोड़ी बहुत ग्रिप बाकी है, मुझे लग रहा है कुछ टाइम बाद आपको चेंज कराना पड़ जाएगा। बाकी इसका पूरा फुल वॉकराउंड आप ले सकते हैं, डिमांड रखी है। ये मात्र 65,000 रुपये, मात्र 65,000 में आपको इंडिका मिल रही है भाई। अगर कमर्शियल यूज में लाना चाहते हैं कोई गाड़ी तो ये भी आप लगा सकते हैं आराम से भाई, और रेट थोड़ा बहुत भाई कम कर देंगे ना। तो अगला ऑप्शन आपको देंगे हमारे मारुति की जेन एस्टिलो लाइट गोल्डन कलर पे UP 32 LV नंबर, यानी चेंज हो गया, चेंज हो गया है। कितने पर था पहले, क्या था मॉडल? ये दिल्ली थी, दिल्ली पर थी जी। ओके मॉडल क्या था? ये हमने नहीं करवाया, कस्टमर नहीं कराया, हमने परचेज किया उनसे। ओके जी, तो मॉडल क्या है? ये मॉडल 2007 का है, 7 का है। और अभी क्या नंबर मिला है? अभी ये जो है आपका नंबर शायद ये 20 का है, हाँ 20 का, 20 का है ना, शायद 20 का है। ओके तो 2007 मॉडल की, तो RR की बात की जाए तो हो ही चुका होगा, नंबर चेंज हुआ, इसका मतलब इसकी वैलिडिटी जो है बढ़ गई है जी। अभी अभी बढ़ी नहीं है, अभी बढ़ी नहीं, अब बढ़ेगी, अब बढ़ जाएगी ना, अभी कुछ मंथ है अभी जी जी, अभी कुछ समय है थोड़ा बहुत चली होगी लगभग। चलिए करीब करीब मान के चलिए 80,000 के आसपास। 80,000 जी। ओनरशिप है? ओनरशिप थर्ड है इसकी, थर्ड है जी। एंड ओनली पेट्रोल है? हाँ केवल पेट्रोल है। माइलेज क्या देती होगी? माइलेज ये आपको देगी वही करीब 18 के आसपास। फीचर्स क्या मिल जाएगा? फीचर्स आपके चारों पावर विंडो मिलेंगे और पावर स्टीयरिंग। ओके बाकी टायर्स की कंडीशन कैसी है? टायर बढ़िया एकदम आपके, टायर इधर आइए आपको एक चीज दिखाते हैं, अलॉय व्हील्स देखिए आप इधर, आपको किसी कोई दूर से देखेगा तो लगेगा उसको अलॉय व्हील्स लगे हुए, बट ये व्हील कैप लगे हुए हैं जो एकदम अलॉय व्हील्स का आपको एकदम लुक देने वाला है, जो इसको लुक के बहुत बढ़ा रही है भाई। कंडीशन बहुत अच्छी लग रही है देखने में, बहुत प्यारी लग रही है। कोई अंदर भी लगने कुछ कराना पड़ेगा ना? अंदर भी कुछ नहीं कराना है। ओके सर्विस वर्विस की हुई खड़ी करेगी, मतलब जिसने भी रखी है भाई बहुत शौकीन है गाड़ी का, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखी है। क्या देना पड़ेगा इसके लिए? ये आपको जो है 90,000 रुपये पड़ जाएगी भाई। 90,000 में आपको जेन एस्टिलो मिल रही है, बहुत ही प्यारी कंडीशन में, अच्छी डील भी मिल रही है आपको। आएंगे तो रेट में थोड़ा बहुत भाई कम कर देंगे ना। तो यादव जी ये बताइएगा, जैसे हम लोग गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत सारी दिखा चुके हैं, तो अब हर किसी लिए पॉसिबल तो होता नहीं कैश में गाड़ी ले पाए। फिलहाल हमने आपको जो गाड़ियाँ दिखाई है बहुत ही कम बजट की है, तो उसमें मुझे लगता नहीं फाइनेंस जरूरत पड़ेगी। बट फाइनेंस जो अगर मान लीजिए कोई 13-14 हम लोग दिखाई अभी तक, हाँ सनी वगैरह है, तो उसमें फाइनेंस हो पाएगा? फाइनेंस हो जाएगा उस पर। तो क्या क्या क्राइटेरिया है उसके लिए? जो है दरअसल लखनऊ बाराबंकी के लिए 100 किलोमीटर रेडियस में मेरे ख्याल से हो जाता है ना। बाकी स्क्रीन पे आपको नंबर मिल ही रहा है, आप भाई को कॉल करिए, टेस्ट ड्राइव करिए, गाड़ी पसंद कर लीजिए, और रेट में थोड़ा बहुत तो भाई हमारे माध्यम से कर दीजिए ना। तो जल्दी फिर से मिलते हैं, धन्यवाद, बाय बाय कर दीजिए। तो दोस्तों आज आपके लिए बस इतना ही, आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। हमारे चैनल पर पहली बार अगर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सकेगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ मजेदार और यूजफुल वीडियो साथ। जय हिंद।